नताशा बेबी, नताशा बेबी शायद चाय बनाने गई है मेरे लिए। नताशा ये तो अब तक सो रही है, बेबी उठो चाय बना दो मेरे लिए। नौकर वॉकर हो गया मैं तुम्हारी, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। और सुनो कड़क चाय बनाना अदरक मार की, नाश्ता भी बना के लाओ मेरे लिए। क्या मैं बनाऊं? हाँ हमारे बीच में बात हुई थी ना, कब हुई बात? नहीं हुई थी तो अब सुन लो, मैं कोई घर का काम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे घर का काम नहीं करना। मेरा लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब तुम बनाओ, उठने से पहले मुझे चाय चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, समझे? तुम्हारी रिया तो कोई घर का काम करेगी नहीं और मुझे करना आता नहीं है, तो बचा कौन? ऑफ कोर्स तुम करोगे सारा काम। मुझे लेके आए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम ही संभालोगे ना। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। दो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे, आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। साला चाय भी मैं बनाऊं, काम भी मैं करूं, ये बस आराम करे। मेरी सुहाग रात भी नहीं हुई अब तक। अरे तुम रो रहे हो? नहीं तो कोई बात नहीं, जल्दी रोने भी लगोगे। अच्छा ये चीनी कहाँ रखी है? चीनी? हाँ हाँ जरूर अभी देती हूँ। अब देती हूँ बेटा तुम्हें चीनी के डिब्बे में नमक। चाय पिलानी ना तुम अपनी महारानी साहिबा को, पिलाओ चाय नमक वाली। ये लो चीनी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एंजॉय। लट्टू बेबी चाय, इतनी देर क्यों लगा दी? चाय बना लेती है पाया? गजब बेइज्जती है। बना रहा था। दो मुझे। तू ये चाय बनाई है भैंस का मुंह? भैंस की पूंछ? कोई काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। सही तो बनाई है, एक काम किया वो भी ढंग से नहीं हुआ। जाओ जाके दूसरी चाय बनाओ मेरे लिए, और अगर अच्छी नहीं हुई ना तो अपना ये बर्बाद शक्ल मुझे दिखाना मत दोबारा। जहर मिला दिया तो ज्यादा अच्छा होता। जाओ मेरी किस्मत ही खराब, मेरी किस्मत।